Hi students, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about 30 new one word substitution. As you have already known, we have already completed 150 one word substitution. That means we have already covered 5 lectures and the today's session will be about 30 new one word substitution. I hope you have watched all the previous lessons. Then why delay? Let's start the session. आप लोगों को पता है आज के का हमारा पहला वन वर्ड क्या है हम लोग वन वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग आज थर्टी वन वर्ड कवर करेंगे ठीक है आज के सेशन का हमारा पहला वन वर्ड क्या है वॉकिंग इन स्लीप क्या है वॉकिंग इन स्लिप्स यानी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि नींद में चलते हैं यानी वो सोए हुए रहते हैं जब उठते हैं मतलब तुरंत ही चलने लगते हैं मतलब वो चल, जब चलते हैं वो नींद में होते हैं दैट उनका नींद भंग नहीं होता है वो नींद में ही चलते रहते हैं उनको क्या बोला जाता है सोमना बुलिज्म नींद में चलने का रोग को हम लोग क्या बोलेंगे सोमनम बुलिज्म ठीक है तो फिर आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं ये ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है ये क्या कर रहा है अपने बेड से तुरंत उठ के मतलब ये नींद में ही चल रहा है क्या कर रहा है नींद में नहीं चल रहा है इसको आई होप लो आप लोग क्लियरली पता चल चुका होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है सोइंग एनीथिंग इम्प्रॉपर यानी कि कुछ खराब चीज या इम्प्रॉपर चीज चल रहा है जिससे आप क्या करो डिसलाइक दिखा रहे हो आप क्या कर रहे हो डिसलाइक दिखा रहे हो या फिर आप गुस्सा हो रहे हो या फिर आपको वो चीज अच्छा नहीं लग रहा है यानी कि आप एक अच्छे आदमी हो आपको आपके सामने कुछ बुरा चीज हो रहा है या फिर या फिर कुछ खराब चीज हो रहा है जिससे आपको बहुत दुख हो रहा है साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो आप अपना डिसलाइक शो कर रहे हो ठीक है थीके? इसका मीनिंग क्या है इसको हम लोग वन वर्ड में देखेंगे तो क्या है प्रीम इसको प्रीम बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ज्यादातर रिपीटेशन नहीं हुआ है ये आगे डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रेम यानी कि अति निष्ठावान निष्ठा जो निष्ठावान होगा उससे जो खराब चीज होगा या फिर इमर चीज होगा वो उससे गुस्सा होगा या फिर डिसलाइक करेगा साथ ही साथ नियमा अनुकूल यानी कि जो नियम जो फॉलो करता होगा वो हमेशा जो नियम फॉलो करता होगा अगर उसके सामने कोई बेनियम काम होगा तो उसे तो वो डिसलाइक करेगा ही नहीं तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं सोइंग ए डिसलाइक ऑफ डिस इम्प्रॉपर चीज जो हो रहा है जिससे वो डिसलाइक एक आदमी दिखा रहा होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे प्रेम बोलेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कौन से मूवी का एक क्लिप लगाया हूं मैं रोबोट टू का जैसे कि आप लोग बता हुआ रियल लाइफ में इनका रोल यहाँ पे कौन अदा कर रहा है यहाँ पे अक्षय कुमार अदा कर रहे हैं यानी कि ये जो हम हम लोग जो मोबाइल्स फोन्स वगैरह यूज करते हैं उसके रेडिएशन से जो पक्षी वगैरह मरते थे यानी कि बर्ड्स का डेथ होता था इनके ऊपर इन्होंने क्या किया था मैंने इनको डिस्प्लेजर था यानी कि डिसलाइक करता था यानी कि हमारे लाइफ के वजह से हम लोग बर्ड्स का लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे तो इसी के ऊपर ये मूवी था आई होप आप लोग ये सब देखे होंगे रोबोट टू आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं क्या कहना या फिर क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यानी कि वो क्या देख रहे हैं कि जो बर्ड्स लोगों के साथ जो ना इंसाइप हो रही है या फिर उन्हें जो हम लोग जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन यूज करते हैं आप अपने 4G, 5G मोबाइल के लिए उससे क्या होता है बर्ड्स लोग का डेथ हो जाता है क्या हो जाता है बर्ड्स लोग का डेथ होता है इनके लिए क्या ये जो इम्प्रॉपर चीज हो रहा है या उनके साथ जो ना इनसाइप हो रहा है इनका ये डिसलाइक दिखा रहे थे और ये रियल लाइफ में डिसलाइक दिखा रहे थे साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था अपने मूवी के थ्रू वही चीज को लोगों को दिखाने की कोशिश किए थे ठीक है आई होप आप लोग ये क्लियरली पता चल चुका होगा और आप लोग ये दोनों चीज को कनेक्ट भी कर पाए होंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन यानी कि एक चीज चल रहा है चलता जा रहा है उसका कभी इंटरप्ट नहीं हो रहा है यानी कि वो बंद नहीं हो रहा है वो चलता ही जा रहा है यानी कि हमेशा से वो चलता ही आ रहा है यानी कि परपेचुअल हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे परपे यानी कि लगातार चलता रहा है या फिर निरंतर चलता आ रहा है यानी कि वो बहुत पहले से वो चलता आ रहा है उसका कोई उसको उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा है या फिर उसको वो कभी रुका नहीं है यानी कि वो कंटिन्यूली कंटिन्यूइंग प्रोसेस है

प्रोड्यूस करता ही जा रहा है यानी कि वो वो कभी ब्रेक लगाया है क्या कभी नहीं ब्रेक लगाया होगा जब तक ट्रीज है वो एटमोस्फियर को ऑक्सीजन देते रहेंगे ये ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन वाला काम है क्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो कन्वर्ट करवाता है कौन कन्वर्ट करवाता है ट्री करवाता है वो उसका एक परपेचुअल वर्क है ठीक है आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है स्पेशियली स्किल्ड इन ए स्टोरी टेलिंग यानी कि जो अच्छा अच्छा स्टोरी आपको बताता है जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग बता देता हूँ जो अच्छा अच्छा स्टोरी बनाए के आपको कहानियां बना है कि आपको बहुत मनोरंजित करता है वो क्या है उसको बोलते हैं रेकोन्ट्योर क्या बोलते हैं रेकोन्ट्योर दैट मीन मजेदार कहानी सुनाने वाला यानी कि जो मजेदार आपको कहानी का मजेदार कहानी सुनाता है या फिर आपको मनोरंजित करता है या आपको एक मोरल वैल्यू या लेसन देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेक ठीक है जैसे कि हमारे इंडियंस फैमिली में आप लोग देखे होंगे ज्यादातर ग्रांड मास या फिर दादी वगैरह वो क्या करते थे बच्चों को बिठा के आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया जब बड़ा फैमिली था या फिर आपस में बहुत बड़े फैमिली में रहते थे वहां पर क्या करते थे ये ग्रांड मास लोग लो अपने जो बच्चों को बिठा के अच्छे अच्छे मजेदार कहानी सुनाते थे, थे साथ ही साथ बच्चों को मनोरंजन मिलता था साथ ही साथ जीवन का मूल्य या शिक्षा भी मिलता था दैट मीन्स मोरल लेसन भी उन लोगों को वहीं से मिलता था ठीक है आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा

उसको जो हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सामा रिटर्न क्या बोलेंगे सामा रिटर्न ये बहुत ही अच्छा वर्ड है आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है सामा रिटर्न दैट मीन्स मुसीबत में मदद करने वाला जो मुसीबत में लोगों को मदद करता है हम लोग क्या बोलेंगे सामा रिटर्न बोलेंगे जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो तो, ये आदमी क्या कर रहा है ये आदमी रास्ते में कहीं गिर गया है मगर उसका तबीयत खराब है या ऐसा कुछ हुआ है ये उसको पानी पिला के क्या करें

ग्रेविटी का मतलब यहां पे क्या है ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे है वो बहुत इंपैक्टफुल होगा क्या होगा बहुत इंपैक्टफुल होगा या फिर बहुत इंपोर्टेंस उसका हो? वो जो बात होगा या फिर जो वो कार्य होगा उसका इम्पोर्टेंस बहुत होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे मोमेंटस क्या बोलेंगे मोमेंटस यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से भी क्लियरली समझ सकते हैं इसरो तो जो चंद्रयान छोड़ा था मतलब मून के तरफ वो क्या हमारे इसरो तो के लिए या फिर हमारे कंट्री के लिए एक मोमेंटस वर्क है क्या है? एक महत्वपूर्ण कथा है या फिर महत्वपूर्ण वर्क है यानी कि वो हमारे लिए क्या है बहुत गौरव वो हम लोग उससे बहुत गौरवान्वित हुए थे या फिर हम लोग उसको बहुत प्राउड फील किए थे साथ ही साथ वो हमारे लिए क्या था एक मोमेंटस वर्क था या फिर मोमेंटस चीज था ठीक है आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है प्लान रूट और जर्नी क्या है प्लान रूट और जर्नी यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैं आपको समझा दूंगा एक मिनट आप लोग रुक जाइए मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे इट्टी निरारी बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इट्टी निरारी प्लान रूट और जर्नी को हम लोग छात्रा विवरण बोल सकते हैं जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप फुकेट जाना चाहते हो या फिर थाईलैंड जाना चाहते हो कहीं भी जाना चाहते हो आप लोग क्या प्लान करते हो आपका थ्री डेज का एक ट्रिप होता है यानी कि आपका थ्री डेज का एक ट्रिप होता है आप क्या करते हो पहले दिन कहाँ जाएंगे आप आइसलैंड से आएंगे आपको ये आइलैंड जाना है आपको वो सी बीचेस जाना है या फिर वो पहाड़ देखना है या ऐसा कुछ करना है आप जो डे टू डे यानी कि तीन दिन का वन टू और थ्री थ्री डेज का जो प्लान लिख के रखे होंगे आप तो ऐसे नहीं घूमेंगे ना आप पैसा खर्च करके दूसरे देश गए हो कुछ जगह देखने के लिए आप एक भी मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहोगे तो फिर आप लोग क्या करोगे आप लोग अपना जो जब जाने से पहले एक प्लान बना के रखे होंगे पहले दिन क्या करूंगा सुबह उठ के क्या करूंगा शाम को क्या करूंगा फिर रात को सोने के बाद सुबह उठ के फिर कहाँ जाना है ये जो प्लान्स जो होता है हम लोग उसी को बोलते हैं यानी कि प्लान रूट और यानी कि आप एक जर्नी में जा रहे हो आप जो प्लानिंग की हो हम लोग उसको क्या बोलेंगे या फिर यात्रा विवरण ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वन वन वर्ड वर्ड देख लेते हैं हमारा क्या है लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप यानी कि जिस लैंड पे यानी कि जिस लैंड पे क्या हो सकता है आपका कृषि योग्य है यानी कि आपका वो ग्रोइंग क्रॉप ग्रो ग्रौ, इजिली ग्रो हो सकता है यानी कि क्रॉप जहाँ पे इजिली ग्रो हो सकता है हम लोग क्या बोलेंगे एरेबल लैंड बोलेंगे एरेबल लैंड बोलेंगे यानी कि कृषि योग, योग लैंड बोलेंगे कृषि योग लैंड बोलेंगे जैसे कि आप लोग इस लैंड को देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से यहां पर क्या है पैडी का पैडी का क्रप लगाया गया है पैडी का क्रप या फिर पैडी का पैडी का फसल हुआ है यानी कि क्या है यहाँ पर पूरा एरिया क्या है यहाँ पर पूरा एरिया कृषि योग्य है यानी कि ये क्या हो गया आपका एरेबल लैंड हो गया ठीक है आई होप ये भी इजी वर्ड था एरेबल लैंड आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोनोलॉजी है? है? का मीनिंग में अपने भूकॉप सेशन जो आपको से, भूकाप सेशन यानी कि नॉर्मल सेशन दे रहा हूँ वहां पर पढ़ा चुका हूँ आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा यानी कि क्या है रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि वो डेट टू डेट मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्रोनोलॉजी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा गया होगा हम उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Annals, कि जैसे कि आप एक छोटा एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारा इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट हुआ था वो कैसे एनोलॉजिकली या फिर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में था जैसे कि पहले इंडियन रिवेलियन हुआ था अठारह क्या है सिपाही विद्रोह हम लोग बोल सकते हैं उसके बाद कांग्रेस हुआ था 85 में सिविल डिसोबियट सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट हुआ था 1918 में सॉल्ट सत्याग्रह या लवन सत्याग्रह हमारा 1930 पे हुआ था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट नाइनटीन फाइनली हमको क्या मिला इंडिपेंडेंस 1947 मिला यानी कि ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स एक जगह पर रिकॉर्ड रखा गया है हम लोग उसको क्या बोलेंगे एनाल्स बोलेंगे ठीक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है हम लोग उसको एनाल्स बोलेंगे आई होप आपको ये Clearly, समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वन देख लेते हैं हमारा क्या, है? पता होगा। हम उसको क्या बोलेंगे पॉली क्लॉट क्या बोलेंगे पॉली क्लॉट यानी कि बहुवासी व्यक्ति बहुवासी व्यक्ति यहाँ पे पॉलीक्लॉट जैसे कि हम आप लोगों को पता होगा इंडिया लैंड ऑफ लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं हमारे इंडियंस में बहुत सारा हर एक जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे लैंग्वेज है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है साथ ही साथ बहुत लोकल लैंग्वेजेस है हम लोग पॉलीग्लॉट किसे बोल सकते हैं जिसको लॉट ऑफ लैंग्वेज यानी कि आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज को मैं पिक्चर लगाया हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है शायद इसमें से ज्यादातर लैंग्वेज जिसको पता होगा हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं पॉलीग्लोट बोल सकते हैं ठीक है आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है ए थिंक फिट टू बी बीटेन यानी कि एक चीज को जिसे आप अच्छे से खा सकते हो यानी कि वो खाने योग्य है यानी कि आप अगर उसको खाओगे आपका आपके शरीर के ऊपर उसका कोई कुप्रभाव नहीं गिरेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे एडिबल यानी कि जिस चीज को खाया जा सकता है एडिबल बोल सकते हैं यानी कि खाने योग्य जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में लगाया हूँ इंडियन एडिबल फ्रूट्स का लगाया हूँ आप लोग क्या करते हैं लेमन खा सकते हो आप लोग ग्रेप्स खा सकते हो आप लोग ड्रैगन फ्रूट्स आप लोग वाटरमेलन ये सब पपैया मैंगो ये सब क्या खा सकते हो या फिर या फिर अनार भी खा सकते हो या फिर पाइनएपल ऑरेंज ये सब आप क्या गुआवा ये सब आप ये खाने की चीजें यानी कि ये एडिबल फ्रूट्स हैं ठीक है आई होप यानी कि आप लोग देखे होंगे एक जंगल में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं यानी कि बहुत सारे ट्रीज बहुत सारे फ्रूट है वो सब खाने के लिए योग्य नहीं है यानी कि इनएडिबल है यानी कि अगर उसको आप खाओगे यानी कि उसमें जो विष होगा आपके शरीर को वो नुकसान में पहुंचा सकता है यानी कि वो इनएडिबल हो गया यानी कि जिसे हम खा सकते हैं यानी कि खाने योग्य है हम उसको

मॉक टेस्ट है यानी यानी कि आप एग्जाम में अलग चीज होगा झूठ मूठ का अटैक करता रहता है यानी कि, कि बनावटी आक्रमण हम लोग बोल सकते हैं यानी कि हम लोग उसको क्या बोलेंगे फेंट बोलेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेटली आपको आगे के एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा डिफी जहां पे डिफरेंट आ जाता है उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे। कर ये, ये दोनों ये फेंट वर्ड ज्यादातर फुटबॉल्स में यूज होता है फुटबॉल प्ले एम गेम्स में कॉमेंटरी में यूज होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आदमी क्या करे आपको लग रहा होगा ये अटैक करके गोल करना चाहता है मगर मगर इवेंचुअली क्या चाहता है ये उससे बॉल यहाँ पे पास करके लेना चाहता है मगर ये दिखाता है मैं मार दूंगा ये ये जो प्लेयर है ये दिखा रहा है मैं तुमको फुटबॉल मार दूंगा यानी कि तुम्हें दर्द होगा ऐसा कुछ होगा मगर ये एक्चुअली क्या कर रहा है उसके साथ प्रिटेंड अटैक कर रहा है यानी कि ये बॉल्स को यहाँ से साइड से ले लेके गोल पोस्ट तक लेना चाहता है या फिर ऐसा कुछ उसका माइंड होगा ठीक है आई होप आप लोग को ये प्रिटेंडेड अटैक दैट मीन फेंट का मीनिंग पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है रिजर्व फॉर एनिमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा इन दया नेचुरल हैबिटेट क्या है रिजर्व फॉर यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह जो उनके लिए जो जगह मतलब बंद करके कर रखा जाता है वो वो लोग वहीं पर अपने हैबिटेट यानी कि वो लोग जहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं यानी कि आप उसे इलाके ला, अपने जू में नहीं रख सकते वो जू वाला चीज़ नहीं है यानी कि वो नेचुरल हैबिटेट हाँ है यानी कि वो जहाँ पे नेचुरली रह सकते हैं उनको कोई खाना नहीं दिया जाता वो अपने आप से अपने हैबिटेट से खाना कलेक्ट करके खाते थे हम लोग खा सकते हैं उनको क्या बोलेंगे उसी जगह को सैचुअरी बोलेंगे जू में क्या होता है, जू में, है जू में क्या होता है? जो होता है उनको खाना मतलब संग्रह करते हैं या फिर वो अपने ठीक से है सेंचुअरी क्या है अवयरन है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भरत नेशनल सॉरी भरत बार्ड सेंचुरी का एक पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं ये एक नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पे इन्हें कोई बंदी करके नहीं रखा है इन्हें कोई जू में क्या होता है बंदी करके कर रखा जाता है इन्हें यहाँ पे कोई बंदी करके नहीं रखा गया ये अपने हैबिटेट में है। ये अपना फूड संग्रह करेंगे अपने लाइफ जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं ठीक है आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हमारा नेक्स्ट वन वर्ड हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट इलनेस ऑफ बोन है यानी कि सिंपली आप लोग बोल सकते हैं जो बोन रिलेटेड डिजीज को जो विज्ञान हल करता है जो विज्ञान उसको ट्रीट करता है हम लोग क्या बोलेंगे ये हम लोग अपने भोका भोकाप के सेशन में पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से अस्थि में एक्सप्लेन किया था और एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑर्थो पेडिस बोलेंगे यानी अस्थि विज्ञान ये ऑर्थोसया है ऑर्थोस ऑर्थो यहाँ पे ऑर्थोसया दैट मीन्स स्ट्रेट स्ट्रेट या करेक्ट होता है एक्चुअली ये पेडिस जो है पाइडोसया है चाइल्ड सया है वो, वो चीज आपको समझने के लिए आपको वो भोकाफ सेशन देखना पड़ेगा तो फिर क्या होगा आपका वो क्लियर हो जाएगा मैं आप लोगों को ये इसलिए बोल रहा था कि आप लोग पहले भोकाफ कंप्लीट कीजिए मतलब रूट वर्ड वाला रूट वर्ड जब कर लेंगे ये सब आसानी हो जाएगा आप मतलब आपको इसका मीनिंग भी पता नहीं होगा फिर भी आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि रूट वर्ड पता होगा और ऑर्थोमीन से आपका करेक्ट एस्ट्रेट होगा यानी कि वो आपका पाइडोस चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चे को पहले जो रोग होता था यानी कि वो बोन डिजीज होता था उसी वर्ड से ये ऑर्थोपेडिक्स आया है

नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है ग्रॉसली एग्जाक्रेटेड स्पीच यानी कि बहुत एक चीज को बड़ा चढ़ा के बोल बोलना है एक चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना उसका वैल्यू इतना नहीं होगा और उतना उसको इतना बड़ा चढ़ा के बोलने को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपर बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादातर बहुत बच्चे को इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है मैं देखा हूं, मैं देखा खुद जब पढ़ाता हूँ बाहर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वह उन लोगों ये हाइप्रबोलो का ये वो क्या कर लेते हैं ये जाके वो फिजिक्स वाला मगर वो कंफ्यूजन होता है उनको बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको ये पूरे जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा हाइप्रोबोलो क्या होता है अति यानी कि वो छोटा चीज को बड़ा बना के या फिर क्रॉसली एग्जैगेटेड एक, एक छोटा चीज को आप बहुत बड़ा बना के बताता हूँ जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए यानी या कि यहाँ पर हाइपरबल क्या होता है डिलीवरी डिलीवरेटली एग्जेगरेशन फॉर एम्फास और कॉमेडिक इफेक्ट यानी एम्फास पाने के लिए या फिर कॉमेडी इफेक्ट लाने के लिए एक डिलीवरेटली जानबूझकर एक छोटा चीज को बड़ा रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे हाईपरबल जैसे कि आप लोग इसमें एग्जांपल देख लीजिए ये क्या बोल रहा है एक पर्सन बोल है औच पेस्ट्री इज हॉटर देन sun. इज इट पॉसिबल ये पे, पेस्ट्री क्या सॉन्ड से सॉन का जो रे होता है या फिर साउन जो है सॉन्ड का जो हीट होता है उससे हॉटर हो सकता है इज इट पॉसिबल पॉसिबल नहीं है यानी कि क्या ये है ये एग्जागरेशन है यानी कि ये एक छोटी चीज को बहुत बढ़ा के ये बता रहा है ठीक है आपको ये पता चल चुका और एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर क्या है ही मेक्स आइंस्टाइन लुक एवरेज यानी कि ये बच्चा तुमको लगता है ये आइंस्टाइन से डेवलप होगा यानी कि आइंस्टाइन इसका सामने एवरेज पर्सन होगा डू यू थिंक लाइक दिस नहीं है ना तो फिर ये क्या हो गया ये एक एक्जेग्रेशन हो गया आई होप आप लोग को ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से या फिर इस के माध्यम से क्रॉसली एग्जैग्रेटेड स्पीस हाई पोर का मीनिंग हमेशा के लिए पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है द स्टडी ऑफ वर्ड ऑरिजिन हम लोग इसे भूक सेशन में पहले सेशन में पढ़े थे यानी कि भूक हमारा या फिर वर्ड्स कहाँ से आते हैं रूट से आते हैं कहा से आते हैं रूट से आते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इटोमोलॉजी क्या बोलते हैं इटोमोलॉजी यानी कि शब्द विज्ञान क्या बोलते हैं शब्द विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड ऑरिजिन एक वर्ड हम लोग एक्स वर्ड बोलते हैं या फिर ये यही असलम हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से कि असैलम ये वर्ड कहाँ से आया है किस चीज से एस एमिल के और साइले यहाँ पे से क्या हुआ आइसोलोस या फिर असैलोन हुआ उसके बाद ही असैलम हुआ ये जो असैलम बना है ये कहाँ से बना है या फिर इस विज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग इटमोलॉजी बोलते हैं क्या बोलते हैं इटमोलॉजी ज्यादातर हम जो वर्ड्स इंग्लिश का वर्ड सीखते हैं वो क्या आता है कहाँ से आता है वो ब्रिटिश से आता है ब्रिटिश या फिर फ्रेंच से भी कुछ वर्ड्स आया है ठीक है इटोमोलॉजी क्या किसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ वर्ड ऑरिजिन यानी कि वर्ड्स के ऑरिजिन को हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं इटमोलॉजी बोलते हैं ठीक है ठेके? तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है आफ्टर वंस डेथ यानी कि एक आदमी के मर जाने के बाद उसको जो होता है उसके साथ जो चीज होता है उसको हम लोग या फिर उसको जो भी दिया जाता है या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है उसको मरने के बाद यानी सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं एक आदमी के डेथ होने के बाद जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्तुमोस क्या बोलते हैं पोस्तुमोस यानी कि मरुणा प्रांत यानी कि मरने बाद। के बाद जैसे कि आप लोग पता होगा इनका पिक्चर आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ ये कौन है ये भूपेन हजारी का है कौन है भूपेन यहाँ पे लिख लेता हूँ भूपेन हजारिका इनको फिलहाल पिछले साल क्या मिला था इनको फिलहाल भारत रत्न मिला था यानी कि इनके मरने के बाद मिला था इनका देहांत शायद दो में हुआ था ये क्या था ये एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थे आप लोगों को अगर पता नहीं होगा ये एग्जाम में आ सकता है भूपेन किसको मिला किसको मिला था और इनके साथ साथ किसको मिला था नानाजी देशमुख को उनको भी पोस्तुम यानी कि मरने के बाद क्या मिला था भारत रत्न यानी इंडिया का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था ठीक है आई होप आपको यह क्लियरली पता चल चुका था। का मीनिंग क्या है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है वन वन हु हु और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस आप इसे देख लीजिए One who studies without seriousness. कि जो क्या करता है वो सीरियसली नहीं पढ़ता है यानी कि वो वो सीरियसली नहीं पढ़ता है वो क्या करता है पढ़ने के टाइम और कुछ करता रहता है ज्यादातर बच्चे का यही प्रॉब्लम होता है देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पढ़ते वक्त वो फोन चला के रखते हैं, फेसबुक खोलते रहते हैं व्हाट्सअप देखते रहते हैं वो सब नहीं करना चाहिए वो आपका पढ़ाई को क्या कर रहा है और खराब कर रहा है पढ़ाई को और खराब कर रहा है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिले टेंटे बोलेंगे क्या बोलेंगे डिले टेंटे दैट मीनस किस बात को गंभीरता किसी बात को यानी कि रिलेटेंट क्या होता है किसी बात को वो गंभीर से नहीं लेता है वो मतलब वो क्या होता है वो सीरियस नहीं होता है जो सीरियस होता है वो गंभीर लेता है यानी कि उसको चाहिए वो चीज़ वो सीरियसनेस नहीं है यानी कि वो क्या फ्रिकल माइंडेड होता है जैसे कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं ये लड़की क्या कर रही है या फिर ये गर्ल क्या कर रही है यहाँ पर पढ़ रही है और यहाँ पे साइड में लैपटॉप खोल के क्या कर रही है फेसबुक शायद खोली है यहाँ पर वो किसी के पोस्ट देख के हंस रहे हैं हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग को पता नहीं हुआ एक्चुअली क्या करे यहाँ पे पता नहीं चल रहा है हम लोग याद रखने के लिए ये मैं आपको एग्जांपल्स या फिर बनावट कहानी आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग ये अच्छे से याद डिले टंटे का मतलब क्या है यानी कि आप एक सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हो या फिर विदाउट सीरियसनेस जो काम करते हो हम लोग उसको उसी पर्सन को क्या बोलेंगे डिले टंटे बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है मेक समथिंग लेस सिवियर ठीक है क्या इसका कोई पिक्चर नहीं लगाया हो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा समथिंग लेस सीवियर यानी कि एक चीज को आप वो एक सीवियर कोम्पैक्ट डालना होता है मगर वो जो काम हुआ है जो फिर चीज हुआ है वो उसका इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट सीरियस होना है। मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर होगा यानी कि बहुत इम्पैक्टफुल होगा मगर आप क्या करो उसे लेस सीवियर करो यानी कि उसको हल करो या फिर उसको नीचे ला रहे हो क्या करो आप उसको उसका जो इम्पैक्ट है आप उसे नीचे ला रहे हो उसको क्या बोलेंगे पैलिएशन बोलेंगे क्या बोलेंगे या उपसमन ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग सिंपली से याद रखना चाहेंगे यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है सपोज मान लीजिए कुछ अटैकर्स हमारे मतलब सपोज मान लीजिए हमारे टेरिटोरी में कोई कुछ टेररिस्ट कुछ के या फिर वो लोग अटैक करना चाहते हैं हमारे जो गर्ड्स है या फिर हमारे जो आर्मी से अगर उनमें से कुछ भी मतलब कैजुअलिटी कम कर दिए सपोज मान लीजिए वो उन लोगों ने लोगों को अटैक कर लिया दो लोग मारे गए जहां पे उन लोगों का टारगेट था क्या 200 लोग को मारना अगर हम लोग दो लोग ये एक सौ अट्ठानवे आदमी को अगर हमारा आर्मी इंडियन आर्मी बचा लेती है तो क्या हो गया वो का, क्या काम हो गया वो फैलिएशन हो गया यानी कि वो जो इम्पैक्ट जो उस चीज होने वाला था उसका क्या है उसका सीवियर थोड़ा लेस कर दिया यानी कि उसका इम्पैक्ट आगे जितना होने वाला था उतना नहीं हुआ उस चीज को जो कम कर दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे पैलिएशन बोलेंगे ठीक है

दे रही है कोई मूवी के लिए कोई मूवी के लिए लुक दी होंगी या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा ये कितना स्ट्रेंज अपियरेंस दे रही है इसको क्या बोला जाएगा बिजायर बोला जाएगा ठीक है आई होप ये भी समझ में आ गया तो फिर हमारा नया क्या है लाइवली और हाई स्पिरिटेड लाइवली और हाई यानी कि वो हमेशा क्या होता है हाई स्पिरिट में होता है यानी कि हमेशा चंचल होता है या फिर लाइवली होता है क्या होता है लाइवली यानी यानी कि वो जिंदा दिल होता है यानी कि हमेशा जिंदा दिल होता है यानी कि बहुत एक्टिव होता है हमेशा वो बहुत एक्टिव होता है साथ ही जोश यानी कि उसके अंदर क्या है? होता है बहुत जोश भरा होता है यानी कि वो हमेशा एक्टिव रहता है यानी कि हम लोग उसको क्या बोलेंगे भिभा शियस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको क्या बोलेंगे भिभा शियस बोलेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्टर है रणवीर सिंह है ये आप लोग इनको देखे आप लोग इनको देखे होंगे इनका एक्टिविटीज देखोगे कि हमेशा लाइवली और हाई स्पिरिटेड रहते हैं यानी कि आप लोग इसे इनके साड़ में देखा नहीं हो मतलब जहाँ जब भी देखा हूँ मतलब टीवी पर में यहाँ पर कहीं भी देखा हु यहाँ पे ये बहुत ही लाइवली या

एंथ्रोपोलेंगे क्या बोलेंगे मिजान ये जो मिजान लिखा है मशीन से आया है एम ई एस आई एन दैट मींस हेट होता है यानी कि घृणा करना और एंथ्रोपिया जो आया है वो एंथ्रोपोस एंथ्रोपोस यानी कि मैनकाइंड यानी कि जो मैनकाइंड को यानी कि लोगों को हेट करते हैं हम लोग क्या बोलेंगे मिजान थ्रो बोलिंग इसका कोई पिक्चर लगाने की जरूरत मुझे नहीं लगा क्योंकि ह्यूमन को हेट करना आप लोगों को सबको पता है यानी कि मुझे हेट करता होगा आपको हेट करता होगा सबको जो हेट करता है यानी कि ह्यूमन को ही हेट करता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है टू सेंड समन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री यानी कि एक आदमी को क्या कहता है या फिर लोगों लोगों समूह को क्या कहता है अपने कंट्री को भेजा दिया जाता है सपोज मान लीजिए हमारे देश के पास इंडिया के पास क्या है श्रीलंका है यहाँ पे श्रीलंका श्रीलंकन लोग क्या करते हैं हमारे देश को हमारे देश को वो समुद्र के बीच से चले आते जाते तमिलियंस होते हैं श्रीलंकन टमिलियंस वो क्या करते हैं हमारे तमिलनाडु को चले जाते हैं मगर हमारे कोस्ट गार्ड वगैरह क्या होता है उनको पकड़ के फिर उनके देश को वापस कर देते हैं फिर उनके देश को वापस कर देते हैं उसी चीज़ को क्या बोला जाता है यानी कि जो लोग एक कंट्री से कंट्री ए से कंट्री बी को चले आते हैं बिना वीजा के या फिर बिना तारों के नीचे आते हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा बजरंगी भाईजान में उनको क्या किया जाता है उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है उनको फिर अपने देश को लौटा दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रीपेट्रिएट री, पैट्रियेट। री पैट्रियेट बोलेंगे यानी कि स्वदेश भेजना बोलेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर एक एक कंट्री का कंट्री एक्स का जो कोस्ट गार्ड वगैरह है कंट्री वाई के पर्सन को उनके कंट्री वाई को भेज रहे हैं यानी कि इनको डिपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसको क्या बोला जाएगा रिपेट्रिएट कर रहे हैं ठीक है आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट

छंद बोलेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एफोरिज्म का मतलब क्या होता है ए ब्रीफ स्टेटमेंट दैट जनरल प्रिंसिपल अबाउट लाइफ यानी कि आपके मतलब जनरल लाइफ के बारे में या फिर जनरल पीपल के लाइफ के बारे में एक स्टेटमेंट बोला जाता है एक छोटा वाक्य बोला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफोरिज्म बोलते हैं यानी कि यूजली वन सेंटेंस लोग एक सेंटेंस होगा छोटा सेंटेंस होगा और उसका वैल्यू बहुत होगा उसका जनरल लाइफ में बहुत वैल्यू होगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने ये बात बोले थे बात बोली थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिजी आप देखिए कितना छोटा सेंटेंस है यानी कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है इसका लाइफ में जनरल लाइफ पे बहुत यूज होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिजी अगर आप ऑनेस्ट रहोगे अपने आप के साथ दूसरे के साथ वो क्या होगा आपको अच्छा फट देगा यानी कि वो क्या होगा एक अपोरिज्म हो गया ठीक है आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या एन इंडायरेक्ट रेफरेंस क्या है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस यानी कि एक चीज को दूसरे वे पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है यानी कि वो इनडायरेक्ट डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या, क्या बोलेंगे इनू एंडो क्या बोलेंगे इनू एंडो यानी कि परोक्ष वचन यानी कि प्रत्यक्ष वचन नहीं है यानी कि डायरेक्टली नहीं बोला जाता है वो इनडायरेक्टली बोला जाता है क्या बोला इनडायरेक्टली अगर यहाँ से यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली सकता है मगर मगर एक आदमी क्या करेगा से इनडायरेक्ट आएगा इनडायरेक्ट रेफरेंस अगर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनहुंडो बोलेंगे जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये यह राजू श्रीवास्तव शायद ये जो कॉमेडी करते हैं ये क्या बोले गुड मॉर्निंग

आपके में नमक गिरा है या नहीं ये उसको अलग तरह के रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं यानी कि वो इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं ठीक है आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा सिंपल वर्ड है मतलब ये सिंपल चीज है मगर वार्ड डिफिकल्ट थोड़ा है ये पूछा जाता है मैं देखा हूँ यांटोनम में पूछा जाता है सिनोनम में पूछा जाता है मगर बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि उसका रियल मीनिंग इन लोगो, लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है जैसे कि आप लोग पढ़ पढ़े हो आप लोग पढ़ सकते हो इनियनो कैसा पता नहीं चलेगा सिंपल वर्ड नहीं लगता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे अन इनडायरेक्ट रेफरेंस बोलेंगे ये एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे ये आसानी से आप लोग को याद रह जाएगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन हमारा क्या है एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड क्या होता है देखिए यहाँ पे आइसलैंड से यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है ये जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है हम लोग क्या बोलेंगे आरछी पेलागो बोलेंगे यानी कि द्वीप समूह यानी कि बहुत सारे दीप्स को एक एरिया में दिख के हम लोग क्या बोलते हैं उसको अरछी क्या बोलते हैं आरछी ये बहुत सिंपल वर्ड है आप लोग को सबको शायद पता होगा नहीं पता होगा तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए साथ ही साथ एक दो बार रिवाइज कर लीजिए ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वन वर्ड हमारा क्या है सडन इन्वॉलेंटरी मस्कुलर कंस्ट्रक्शन यानी कि आप सपोज मान लीजिए ये क्या कर रहा है ये आदमी दौड़ रहा है सडनली इसका क्या होता है सडनली इसका मस्कुलर कंस्ट्रक्शन कंट्रक्शन हो जाता है कंट्रक्शन मतलब क्या संकुचित हो जाना क्या हो जाना संकुचित यानी कि आपका जो मसल्स होता है वो स्टीप हो जाता है वो स्टीप हो जाता है संकुचित हो जाता है यानी कि वो जैसा होना वो अगर ऐसा होता है वो अगर ऐसा होता है वो अगर होता है, वो क्या होता है वो छोटा हो जाता है या फिर वो संकुचित हो जाता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे स्पासम क्या बोलेंगे स्पासम यानी कि मरोड़ हो जाता है यानी कि आपके मसल्स में मरोड़ हो जाता है यानी कि सडन इन्वलन्टरी वॉलेंट्री मतलब को जानबूझकर होता है यानी कि वो इन्वालेंट्री आपको पता नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आप दौड़ रहे हो या आपका मसल क्या होता है संकुचित या फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन जो होता है हम लोग उसके क्या बोलते हैं स्पासम बोलते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है ए वर्ड और फ्रेज ए वर्ड और फ्रेज दैट कॉन्टेंट्स ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझा दूंगा ये बहुत अच्छा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा ए वर्ड और फ्रेज दैट कॉन्टेंट्स ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड यानी कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मगर बहुत आसान चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एनाग्राम बोलेंगे अच्छे से समझाता हूँ शब्द बदल कर नया शब्द बनाना ठीक है सिंपल हम लोग पहले जान लेते हैं अनाग्रम किससे बोलते हैं उसके बाद यहाँ पर आएंगे ठीक है अनाग्रम क्या होता है एक वार्ड होता है उसी चीज को जितना भी वार्ड है अगर पाँच वार्ड है उसी से और एक वार्ड बनाया जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है फ्राइड एफ आर आई ई -E टी वही वर्ड यूज किया गया है वही वर्ड यूज किया गया है मगर उसका मीनिंग अलग किया गया है एफ आई आर ई डी यहाँ पर फायर लिखा गया है यहाँ पर क्या है फ्राइड लिखा गया वही पांच वर्ड वही पांच लेटर लिख के उसका अलग एक मीनिंग या फिर अलग वर्ड बना दिया गया है जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखे हैं गेनली लिखा गया है उससे लेइंग बनाया गया है सैडर से ड्रेट्स बनाया गया है लिसिन से साइलेंट बनाया गया है ये सिंपल देख सकते हैं ले यही छः वर्ड है उसी छः लेटर को लगा के एक नया वर्ड बनाया जाता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एना सिंपली आपको समझ में आ चुका होगा और एक बार समझा देता हूँ ए वर्ड और फ्रेज यानी कि एक वर्ड होगा या फिर फ्रेज होगा दैट ऑल द लेटर्स ऑफ यानी कि एक्स अगर अगर ये है इसको अगर आप अलग करके लिखोगे या फिर आप ऐसे लिखते हो वाई एक्स जेड एक्स वाई लिखते हो वो क्या होता है होगा ये एक एनाग्राम हो जाएगा यानी कि वही सिमिलर लेटर को आप अलग तरह से एक अलग वर्ड बना के रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ठीक है उसको हम लोग एना ग्राम बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा ठीक है तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट वन वर्ड देख लेते हैं लास्ट वन वर्ड बहुत ही अच्छा वन वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है इसका मीनिंग ए पर्सन हु थिंक्स ही इज इल ऑल द टाइम यानी कि वो वो पर्सन क्या होता है वो पर्सन क्या होता है वो हमेशा सोचता रहता है मैं शरीर से बीमार हूँ यानी कि वो क्या होता है रात एक्चुअली में वो इतना बीमार नहीं होता है वो हमेशा अपने आप से सोचता रहता है मैं बीमार हूँ मेरा तबीयत खराब है मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ मेरा तबीयत खराब है या फिर मेरे में बहुत सारे रोग है हम उसको क्या बोलेंगे हाइपो बोलेंगे क्या बोलेंगे हाइपो यानी कि रोग भ्रमी यानी कि उसके उसको भ्रम है यानी कि उसको रोग है इसके इसके रोग है उसका ये एक बहम है या भ्रम है मगर एक्चुअली में उतना उसका रोग नहीं होगा वो अपने आप से सोच रहा है ये एक मेंटल इशू है ये क्या है एक मेंटल इशू है वो मेंटली सोचता रहता है मैं वीक कूँ मेरा तबीयत ख़राब है मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता वो अपने आप से अपने आप को लो पे रखता है या फिर वो उसको रोक का भ्रम है उसको क्या बोलेंगे हाइपो कॉन्ट्रियक्ट बोलेंगे ठीक है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो ये क्या कर रहा है यहाँ पे इसका एक ही पिंपल्स है हम लोग इसका पिंपल मान लेते हैं मगर इसको क्या लग रहा है वो जो यहाँ पे एक मिरर में देखता है उसको लग रहा है उसका हर एक जगह पे पिंपल हो गया यानी कि वो मेंटली सोच रहा है क्या ये हिपो बन गया है यानी कि ये सोच रहा है मेरा इतना खराब हो गया फेस खराब हो गया यानी कि वो क्या उसको ये भ्रम है इस क्या ये पर्सन को भ्रम है कि उसका मुंह में इतना पिंपल्स है ठीक है आई होप आप लोगों को ये सब क्लियरली समझ में आ चुका होगा मुझे ये भी आशा है आप लोगों को मेरे मेरे मैं जो और भी सेशन ला रहा हूँ वो सब भी आपको अच्छा लग रहा होगा अगर आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा साथ ही साथ आप लोग मेरे को अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो मेरे को कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बता सकते हो आप लोगों को और कुछ नीड होगा तो ठीक है ठीक है तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए घर में रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद